हालेलुया, क्या आप खुश हो? एक और बार आप सबको देखना, आए हम सब लोग हमारे हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। यीशु, 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 हालेलुया। कहिए, पिता मैं मेरे हाथों को आपकी ओर उठाता हूँ, जैसे बालक माँ की ओर दूध के लिए देखता है, मैं भी अपने हाथों को उठाकर आपकी ओर देखता हूँ। आप एल सदाय हो, आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हो, और आप जीवंत परमेश्वर हो, और आपने मुझे आशीषित किया है मेरे जीवन में आनंद उठाने के लिए। हालेलुया, आपके हाथों को नीचे रख, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और हर दिन हमारे हाथों को ऊपर उठाते हुए कहना कि परमेश्वर आप मेरे पिता हो और मैं आपकी आराधना करता हूँ। अगर आप परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाना शुरू करोगे, आपको कभी भी ये मौका नहीं मिलेगा कि आप मनुष्य की ओर अपने हाथ को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको कभी भी अनुमति नहीं देगा कि आप अपने हाथों को मनुष्यों की ओर सहायता के लिए आप बढ़ाएं। हालेलुया, क्या आप खुश हो? आए हम एक और बार उत्पत्ति की किताब उसका 17 अध्याय की ओर हमारी बाइबल को हम खोलें। पहला अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सुनिए, परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। हालेलुया, कहे मेरे पिता वो एल सदाय है, मैं उसकी उपस्थिति में चलूंगा और मैं सिद्ध होऊंगा। हालेलुया, और ये उसकी उपस्थिति में चलना और सिद्ध होना क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक समय है जो परमेश्वर के वायदों या वाचा का पूरा होने का। हालेलुया, क्या हम सब मिलके एक और बार ये चार बातों को जो है हम बोल सकते हैं? बोलिए मेरे पीछे, अब कभी न खत्म होने वाली आशीष या कटने की मौसम है, परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में जल्द होगी। सब कठिन बातों को मेरा यीशु आसान और हल्का करेगा। अब यह वह समय है जिसमें कुछ भी रुकावट नहीं है। और मैंने जैसे आपको बताया, ये सारी जो बात है कबूलात की बातें हैं जो आपको आपकी टेस्ट को पास करने के लिए सहायता करेगी। और अब परमेश्वर की उपस्थिति में चलना क्या है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल। किस रीति से चलना, आज हम चलने के बारे में देखेंगे। आप लोग सब ठीक है ना? कैसे चलना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के संग या परमेश्वर के साथ कैसे चलना, उसकी उपस्थिति में कैसे चलना। हालेलुया, आमोस की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद, आमोस 3:3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? या मेरे पीछे आप सब लोग बोलिए, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आपको भी इस तरह करके क्वेश्चन करना है। एक और बार, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर दो मनुष्य संग चलना है तो एक दूसरे के साथ सहमत होना है। अगर आप परमेश्वर के संग चलना चाहते हो या परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के साथ सहमत होना पड़ेगा। हालेलुया, मैं उसके साथ किस रीति से सहमत हो सकता हूँ?
बहुत ही साधारण बात है कि आपको उसके वचन को पढ़ना है, उसके वचन को मनन करना है, विश्वास करना है उसके वचन में। दूसरा करिन्थियों 5:7, दूसरा करिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 7 पद। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यस, यहाँ पौलुस कहता है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते, हम दृष्टि से नहीं वर्ण विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पौलुस यूं कहता है कि हम दृष्टि से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। मैं विश्वास से चलता हूँ, दृष्टि से नहीं। एक और बार, मैं विश्वास से चलता हूँ, दृष्टि से नहीं। और परमेश्वर इब्राहिम के साथ बात करता है जबकि वो 99 साल का था। काफी देर तक उसने इंतजार किया था, अब तक उसको बच्चा नहीं हुआ है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं एल सद्दाई हूं, आप मेरे उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। और वो किस रीति से चला? रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय और 18 और 19 पद को हम पढ़ेंगे। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हालेलुया। और आशा के विरोध में, आशा में उसने विश्वास किया। उसके लिए कोई भी आशा नहीं थी और उसके शरीर भी उसके लिए साथ नहीं दे रहा था। उसके शरीर के बारे में वो सोचता नहीं था और उसके पत्नी का गर्भस्थान जो मरा हुआ था उसके बारे में भी उसने नहीं सोचा। वो दृष्टि से नहीं वरन वो विश्वास से चलता था। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपके लिए जो कुछ भी करना चाहता था वो परमेश्वर उसके मारे जाने से, गाड़े जाने से, फिर से जी उठने के द्वारा उसने सब कुछ कर दिया है। और अब परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के आपको आशीषित नहीं कर रहा है और आपके आशीष के ऊपर परमेश्वर नहीं बैठा। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीषित कर ही दिया है। और आपके जीवन में जो भी आशीष चाहिए आपको परमेश्वर ने दे दिया है। और मैं जानता हूं कि आपको कुछ शंका अविश्वास हो रहा है। यदि आज और कल आप मेरे संदेश को सुनोगे आपके अविश्वास स्पष्ट हो जाएंगे। आपको जो भी चाहिए था उसके लिए परमेश्वर ने आयोजन किया है, परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी कर दिया है। और आप दृष्टि से नहीं वरन विश्वास से चलना सीखोगे और परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करना आप सीखोगे। और बाइबल यू कहती है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया। कौन है धर्मी जन? यीशु मसीह के लहू से धुले गए हुए सारे भाई और बहन वो धर्मी जन है। इसलिए आपको विश्वास से जीना है। और जब मुझे परमेश्वर ने बचाया, मैं काफी सारे चर्चेस में गया क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन से चर्च में मुझे जाना है, इसलिए मैं गवाहियों को सुनता। और जब वहां बड़े बड़े प्रचारक परमेश्वर के दास लोग आते, वो अपनी गवाही को बताते, मैं ऐसे बड़े पोस्ट में ऐसी नौकरी करता था, बड़ा जॉब में करता था, लेकिन मैंने सारी नौकरी जॉब मैंने छोड़ दिया और मैं अभी परमेश्वर में आया, अभी मैं विश्वास से चलता हूं। और मैं सबसे बड़ा बॉस था, अधिकारी था, वो सारी बातों को छोड़कर मैं नीचे आ गया अभी विश्वास से जीने के लिए। तब मैं नया विश्वासी था और मैं सोचने लगा इसका मतलब यह है कि विश्वास से जीना जो है वो बहुत ही छोटी बात है या नीच स्तर का जीवन जीने का है। सेवकाई जो है वो बहुत छोटा काम है, गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी है वो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, ये जो गलत सोच है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की जो सेवा है वो सबसे बड़ी बात है। यस, और आपको विश्वास से जीना, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है आप फुल टाइम सेवा में हो या हाफ टाइम। हर एक विश्वासी को विश्वास से जीना है, हर एक विश्वासी विश्वास से जीना चाहिए। वो ऐसा है एक मछली पानी में जैसे जीती है, क्या वो प्राकृतिक है या अलौकिक है? आप बताइए कि मछली पानी में जीना
वो प्राकृतिक है, लौकिक है या अलौकिक है, अद्भुत है, लौकिक है, प्राकृतिक है, वैसा ही विश्वासियों को विश्वास से जीना है। यदि आप मछली को पानी से बाहर निकाल लोगे क्या होगा, और वैसे ही आप विश्वास के बिना, विश्वास के बगैर नहीं जी सकते। विश्वास से आपको जीना है। विश्वास क्या है उसके बारे में आपको स्पष्ट समझ होना है। विश्वास हर एक के लिए कार्य करता है। क्या आपके जीवन में आप एलसदाई का अनुभव करना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर की जो क्षमता है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो समृद्धता है वो आपके जीवन में आप देखना चाहते हो? और आपको उसके उपस्थिति में विश्वास के साथ चलना सीखना है। रोमियो की पत्री उसका 3:27। तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। और यहाँ पर किंग जेम्स वर्जन जो अंग्रेजी बाइबल है उसमें कहा गया है कि विश्वास वो नियम है या कानून है। विश्वास का कानून या नियम, हालेलुया। विश्वास कानून है या नियम है, वो काम करता है। क्या आप मेरे साथ हो? हाँ या ना? और गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो भी एक नियम है। हाँ, आपको अभी ऐसा आपकी विज्ञान की किताब में ही है वो। हालेलुया। क्या आपको पता है वो एक नियम है? कुछ भी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे आएगी कि ऊपर चली जाएगी? यदि आप उपवास और प्रार्थना करके फिर उसको ऊपर फेंकोगे तो कहाँ जाए, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? यदि आप रोते हुए प्रार्थना करके फिर उसको ऊपर फेंकोगे तो? यदि मैं फेंकूंगा तो नीचे आएगा वो? मैं फेंकूंगा तो नीचे आएगा? यदि आप में से कोई भी भाई उसको ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा? बहनों में से कुछ एक जन ऐसा ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा? ये जो लड़की है उसके लिए भी वही काम हुआ। हाँ या ना? नियम काम करता है, विश्वास काम करता है। वो भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, सबके लिए वो काम करता है। हालेलुया। कहिए, विश्वास काम करता है। बोलिए, मैं विश्वास से जीऊंगा, दृष्टि से नहीं। मैं विश्वास से जीना पसंद करता हूं। विश्वास काम करता है, 100% वो काम करेगा, कभी भी विफल नहीं जाएगा, कभी विफल नहीं होगा। अगर वो काम नहीं करता, इसका मतलब ये होता है कि आपने विश्वास को नहीं समझा। यदि आप समझोगे तो आप परिणाम को देखोगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11:1 में विश्वास की व्याख्या दी गई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अद्भुत वचन है वो। उसमें से आधा जो वचन है उसको मैं इस कॉन्फ्रेंस में सिखाने की कोशिश करूंगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पहला भाग हम लेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। क्या हम सब लोग हिंदी में बोलेंगे? बोलिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। एक और बार। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। और आपको ये बात समझना होगा कि विश्वास और आशा में भिन्नता है, भिन्नता है। और कई बार हम नहीं समझ सकते क्या भिन्नता है। हम जानते हैं कि जो आशा करना वही विश्वास है। हालेलुया। लेकिन विश्वास जो है वो वस्तु का, वो वस्तु है। उदाहरण तौर से यदि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, हमको क्या जरूरी है बिल्डिंग बनाने के लिए? सीमेंट, हाँ, रेती, ईंट। जो आप बात तो बता रहे हैं वो सारी जो बात है वस्तु है। और ये सारी जो बातें हैं, ईंट, रेती, सीमेंट और लोहा, सब जो है वो वस्तु है। फिर भी अगर मैं सारी वस्तुओं आपको दूं तो क्या आप वो बिल्डिंग बना पाओगे? आपको क्या चाहिए शुरुआत करने के लिए? यस, डिजाइन हमें चाहिए, हमें प्लान चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए। जब तक हमारे पास ब्लूप्रिंट नहीं है, उसकी डिजाइन नहीं है, हम काम नहीं शुरू कर सकते। इसलिए विश्वास वस्तु है, आशा वो डिजाइन या ब्लूप्रिंट की नहीं है।
और इसलिए आप विश्वास में आगे बढ़ो उसके पहले आप ये समझ लें कि आशा बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास को चलायमान करने के लिए आशा बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। किस रीति से मुझे आशा मिलेगी? रोमियो की पत्री उसका 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। किस रीति से आपको आशा मिलेगी? कहाँ से आपको आशा मिलेगी? क्या आप सब लोग यहाँ हो? एक और बार पढ़े या पढ़ने के बाद आपको पूछूंगा। हाँ पढ़े। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। किस रीति से आपको आशा मिलेगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशा मिलती है। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ते हो उसमें बनी हुई कुछ घटनाओं को आप पढ़ते हो तो आपके अंदर ऐसी इच्छा जागृत होती है कि उसके नाए आप भी बने। और जब आप एस्तेर की कहानी पढ़ते हो तो आपके अंदर एक ऐसी आशा उत्पन्न होती है आप भी एस्तेर की नाई बने। और जब आप दानियल के बारे में यूसुफ के बारे में पढ़ते हो आपको आशा मिलती है। हालेलुया। और विश्वास में चलने का पहला जो स्तर या स्टेप है, आपको आशा की जरूरत है। और मेरे शिक्षा में मैं आशा शब्द इस्तेमाल करने की वजह मैं ड्रीम या स्वप्न में इस्तेमाल करता हूँ। विश्वास का पहला स्टेप या स्तर के लिए आपको स्वप्न की जरूरत है। आपके पास स्वप्न होना चाहिए। हालेलुया। आप कहें मुझे स्वप्न चाहिए। आपके भविष्य के बारे में सब कुछ आपको स्वप्न चाहिए। आप सबके भविष्य की बात आप बाइबल में है। आपके बच्चों की बात भी बाइबल में है। आपके तंदुरुस्ती के बारे में भी बाइबल में है। आपके समृद्धि के बारे में भी बाइबल में है। हमारी सेवकाई के बारे में भी बाइबल में है। और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का जो वाचा है वो हमारा स्वप्न बनना चाहिए। और जब आप बाइबल को पढ़ते हो आपको कुछ पसंद आता है आप अंडरलाइन कीजिए और उसके बारे में आप स्वप्न देखना शुरू करें। यदि आपके पास स्वप्न नहीं है तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। और आपके विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, आपको स्वप्न चाहिए। और हमारा परमेश्वर स्वप्न देने वाला परमेश्वर है। आमीन। क्या आप सब लोग यहाँ हो? इसलिए आपको बाइबल पढ़ना है। हर दिन आपको बाइबल पढ़ना है। बाइबल कहती अंतिम दिनों में मैं सब मनुष्य के ऊपर मेरी आत्मा को मैं उंडेलूंगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो एल सदाय है और स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक है। वो आपके पिता है। हालेलुया। और आपकी आत्मा के लिए उसको जो कुछ भी करना था उसकी मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके जीवित उठने के द्वारा सब कुछ उसने कर दिया है। लास्ट पिछले कैंप का टाइटल हमारा विषय क्या था? यस, नई सृष्टि। वो आत्मा में हुआ। हालेलुया। लेकिन मन, वो हमारा पुराना मन है, बहुत ही नीच प्रकार की सोच। अब हम उद्धार पाए हैं, अब हम नया जन्म पाए हैं, अब हम परमेश्वर की संतान है, अब हमारी आत्मा में हम नई सृष्टि है। लेकिन हमारा जो मन है वही पुराना मन है, जहां परमेश्वर कहता है मेरे पास आपके लिए अच्छी योजना है, आपको समृद्ध करने की योजना है। लेकिन हमारा मन क्या कहता है? और आपके दादा और या दादी ने जो कुछ कहा है आपको वही बोलेगा वो। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम अच्छे लोग नहीं, ये वो नहीं, वो नहीं हमारे पास, वो सब बात वो बोलेगा। इसलिए परमेश्वर अभी समय को गवा नहीं सकता। उसने उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा को उंडेला और पवित्र आत्मा मेरे साथ है और वो आपको स्वप्न देता है। मेरे साथ हो आप? सारे सब अच्छे स्वप्न परमेश्वर की ओर से आते हैं। अय्यूब की किताब उसका 33:15-16। अय्यूब की किताब उसका 33:15-16। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। हालेलुया। किस रीति से स्वप्न को पाना है? अच्छी रीति से सोए। हेलो, ज्यादा मत सोए।
जल्दी सोए, स्तुति आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, परमेश्वर के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में सोए। जब आप सोते हो परमेश्वर स्वप्न देता है। हालेलुया, कितना अद्भुत परमेश्वर है। क्या आप खुश हो? अभी तक आपको ये विश्वास नहीं हुआ? हम लोग, अरे हम सो गए तो क्या होगा, हम सोएंगे तो नरक में जाएंगे लोग, या हम सो गए तो लोग नरक में जाएंगे, इसलिए हमको सोना नहीं है। 30 साल से मैं 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया। मैं सोचता था अगर मैं सोऊंगा तो लोग नरक में जाएंगे। प्रभु के दास ब्रदर डीजेस दिनाकरण साहब एक बार पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैंने ये गलती की है, आप कम से कम ये गलती मत करें, आप अच्छे से सोइए और आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है, उसके लिए आपको जागते रहने की जरूरत नहीं है। और क्या आप ये कल्पना कर सकते हो, नीतिवचन 11:7 में से परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे, 17 पद, नीतिवचन 11:17, कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। हेलो, आखिरी भाग हम पढ़ेंगे, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। आप मेरे पीछे बोलिए हिंदी में, परंतु जो क्रूर है वह अपनी ही देह को दुख देता है। क्या आप मेरे साथ हो? आप अच्छे इंसान हो या क्रूर इंसान हो? अच्छे से सोइए, अच्छे से सोइए। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं एकदम पेंटिकोस्टल पश्चात भूमिका से मैं आ रहा हूं। वे लोगों ने मुझे सिखाया यदि मैं सोऊं तो वो पाप है, अगर मैं सोऊंगा तो लोग नरक में जाएंगे, अगर मैं सोऊंगा तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जागरूक रहना है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, फिर भी मैंने उस बात को नकारा और मैंने कहा कि रात को और भी मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं गीत को गाता था। हाँ, मुझे वो वरदान दे कि ताकि मैं ना सोऊं। हालेलुया, और मैं ये सोचता था कि मुझे सोना नहीं है। हालेलुया, मेरे मित्रों मुझे सुनिए, परमेश्वर आपके पिता है। आमीन, कितने अच्छे पिता है यहाँ पर। या आपके बेटे सोए वो आपको पसंद है कि जागते रहे वो पसंद? और अगर आपके बेटे आपके पास कुछ गिफ्ट मांग रहा है तो आप क्या चाहोगे, वो जागता ही रहे, ना सोए और आपसे मांगता रहे, या फिर वो सो जाए और फिर जाग उठकर आपके पास मांगे? आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है? क्या आप ऐसा बोलोगे सोओ मत, नहीं तो सो गया तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हो आप? आप क्या कहते हो? यस, मैं जागता हूँ, जीवित हूँ, क्यों आप चिंता करते, सो जाओ, आप सो जाओ ना। यदि आप अपने बेटे को सोने के लिए आप इच्छा करते हो, आपके स्वर्गीय पिता इससे बेहतर इच्छा आपके लिए रखता है। सोना पाप नहीं है, ज्यादा सोना वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोना आपको गरीबी लाएगा, वो आलसीपन है। लेकिन जो निंद्रा है या सोना है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है। परमेश्वर अपने प्यारों को वो अच्छी नींद देता है। क्या आप मेरे साथ हो? अब कुछ माताओं चिंतित हो गई है, वो मेरा बेटा जो है वो तो बहुत ज्यादा सोता है, अभी पास्टर ऐसे बोल रहे, मैं अभी कैसे उसको जगाऊंगी। हेलो, हर एक माता और पिता के लिए सुबह में अपने बच्चों को जगाना वो सही में उनके लिए एक बहुत बड़ा युद्ध है। वो जल्दी उसको जगाएं और फिर तैयार करें, जल्दी से स्कूल भेजें। सुनिए, मुझे वापस यहाँ इस मुद्दे पर आने दो। क्या आप सोने के लिए इच्छा करते हो, या ये आशीष है या श्राप है, वो आशीष है या पाप है? अब सुनिए, आप किस रीति से सोते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग अपने हाथ में रिमोट लेकर सोते हैं, या टीवी देखते 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 फिर सो जाते हैं, तो आप टीवी में क्या देखते हो वो ही स्वप्न में आएगा। और कुछ लोग मोबाइल में बहुत व्यस्त रहते हैं, यूट्यूब है, ये बात करना, वो संदेश भेजना, फिर ऐसे करके सो जाते हैं, वो सारी बात स्वप्न में आपको आएगी। क्या आप चाहते हो परमेश्वर आपको स्वप्न दे? अगर जो परमेश्वर आपको स्वप्न देता है वो परमेश्वर आपको उठाएगा, वो आपको ऊपर उठाएगा। इसलिए आपको आपके जीवन में बाइबल का पढ़ना मनन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सोए उसके पहले परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे पाप को माफ करे, प्रार्थना करे, दुआ करे, बाइबल पढ़े, उसके साथ आप सोए। क्या आप ये सही है? क्या आप समझ रहे हो? अभी मेरे संदेश को मैं शुरू कर रहा हूं। आपको स्वप्न की जरूरत है, आपके परिवार के लिए स्वप्न,
एक तंदुरुस्त जीवन के लिए स्वप्न और समृद्धि के लिए स्वप्न, सेवकाई के लिए स्वप्न। हालेलुया। काफी सारे वायदाएं यहाँ पर बाइबल में हमें दिया गया। मुझे परिवार के साथ इस बात को शुरू करने दो। आप किस प्रकार के परिवार को चाहते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास स्वप्न नहीं है तो आप आशीषित परिवार को नहीं पा सकते। और हम देखते हैं कि जब परिवार की बात जब संसार करता है, पति और पत्नी के बारे में काफी सारे जोक्स जो हैं, हंसने की बात, ऐसे जोक्स हैं, वो हमारे मन में भरा हुआ है, वो हमारे मन में आएगा। आप शायद आपको लगता होगा कि ये हमारे लिए अच्छे फन है या फिर मजाक करने की बात है। नहीं नहीं नहीं, वो आपके अंदर प्रवेश करता है। आप जो हंसते हो जिस बात के लिए, वो आपके अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आप गलत दिशा में जाते हो। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर के वचन के बारे में स्पष्ट समझ नहीं होने की वजह से हम गलत दिशा में जाते हैं और काफी परिवार टूटते हैं। हालेलुया। और मुझे इससे शुरू करने दो, किस प्रकार के स्वप्न हमें चाहिए। यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आपको बाइबल में से स्वप्न हो, वो अच्छा है आपके लिए। और बाइबल के वचन, परमेश्वर के वचन में से आपको स्वप्न मिले आपके जीवन साथी के लिए, वो अच्छा है। हालेलुया। बाइबल कहती है उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय 18 पद, और मनुष्य अकेला रहे वो अच्छा नहीं था, इसके लिए योग्य सही सहायकारी, उसको मदद करने वाली स्त्री को उसने बनाया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। हाँ। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। सब जवान लोग यहाँ पर है, आपके शादी की चिंता मत करें, 100% वो होगा। परमेश्वर सही व्यक्ति को सही समय पर लाता है। और आपको ये बात जानना है कि मुझे अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने योग्य सहायक को बनाया। सब जवान लड़कियां सुने, और उसके लिए अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे उसकी योग्य सहायक जैसे परमेश्वर ने बनाया है। भजन संहिता 68:8 पद को हम पढ़ेंगे, छठा पद हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 पद उसका छठा पद, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। और परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, सोलिटरी अकेले लोग, यस। और जो लोग अकेले हैं उसका घर परमेश्वर बसाता है। यहाँ देखिए यहाँ, हाँ, अगर मैं आपको पूछूं आपके पास स्वप्न है, आप कहोगे नहीं। सब जिसकी शादी नहीं हो ऐसे लोग, अगर मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपके पास स्वप्न है, आप कहोगे कि नहीं। लेकिन अंदर से काफी इच्छा है। अब कैसे मैं कहूँ, आप किससे शादी करने वाले हो? अगर आप नए जन्म पाए हुए आत्मा से भरपूर विश्वासी है तो आपको भी नए जन्म पाए हुए आत्मा से भरपूर व्यक्ति के साथ ही शादी करना है। और अगर आप ऐसा कहोगे कि ये मेरी इच्छा है, मैं जिससे चाहूं उससे मैं शादी करूंगा। हेलो, काफी जवान लोग ऐसा कहते हैं कि ये मेरी इच्छा है। या व्यवस्था विवरण 22:10, बैल और गधा दोनों संग जोत कर हल न चलाना। हिंदी में मेरे पीछे आप बोलिए, व्यवस्था विवरण 22:10, बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। एक और बार जोर से बोलना, बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। जवान भाइयों सुन रहे हो, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं, आप एक खेडूत हो और अभी खेती करने के लिए निकले हो, एक आपके हल में एक साइड में बैल है और एक साइड में गधा है, क्या होगा? आगे पीछे हो जाएगा, आगे पीछे होगा तो फिर एडजस्ट करने की बात हो जाएगी। दूसरा अच्छा प्रकाशन है, क्या आप गधे के पीछे जाने के लिए कोशिश कर पाओगे? वो क्या करेगा, लात मारेगा कि वो लात मारेगा। अगर आप परमेश्वर के जो कानून है, परमेश्वर के वचन है, उसके विरोध में अगर आप शादी करते हो, तो आप याद रखें कि आप गधे के साथ शादी कर रहे हो।
आप जल्दी ही चर्च में वापस आओगे और आप रोते हुए आकर कहोगे कि वो मुझे लात मार रहा है, वो मुझे लात मार रही है। मैं बुद्धिशाली व्यक्ति हूँ, आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, आपको धीरज रखनी है, परमेश्वर भला है। हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हो, क्या आप खुश हो? और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पत्नी सरदर्द है, और कुछ लोग ऐसा कहते हैं उसको आप शादी करवा दो ताकि आप उसके पैर को या गर्दन को बांध सकते हो, और कुछ लोग ऐसा जो सोचते हैं कि बच्चे जो है वो सरदर्द है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपका स्वप्न गलत है। बाइबल कहती है और बाइबल हमें यूं कहती है कि हमारी पत्नी हमारे घर में फलवंत द्राक्षलता के समान होगी और हमारे बच्चे हमारे घर में जैतून वृक्ष के पौधे के समान होंगे। क्या हम हिंदी में बोलेंगे या भजन संहिता 128 से हम बोल रहे हैं, मेरी पत्नी मेरे घर में फलवंत द्राक्षलता के समान होगी, मेरे बच्चे मेरे घर में जैतून वृक्ष के पौधे के समान होंगे। हेलो, आनंद से भरपूर परिवार, वो आपका स्वप्न होना चाहिए। मैं परमेश्वर के सामने सीधा हूँ, मैं मेरे परिवार का आनंद उठाता हूँ, पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ। हालेलुया, आपके परिवार में हरेक जन नया जन्म पाए हुए होना चाहिए, इसलिए आपके परिवार के बारे में आपके पास स्वप्न होना चाहिए। आपके परिवार के सब जन नया जन्म पाया हुआ होना चाहिए, बपतिस्मा पाया हुआ होना चाहिए, चर्च में जाने वाले होना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और 31 पद यूं कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, अगर वो नया जन्म नहीं पाए हुए चिंता मत करें, ओ जो वायदा है उसके बारे में आप स्वप्न देखें। आप प्रेरितों के काम 16:31 का स्वप्न देखें, मेरा परिवार के सब जन मेरे बच्चे नए जन्म पाएंगे। और हो सकता है आपको पिछले साल ही बच्चा हुआ हो, लेकिन ऐसा स्वप्न आप देखें कि आपके बेटा या फिर आपकी बेटी नया जन्म पाएगी पाएगा। हालेलुया, क्या आप खुश हो? और प्रेरितों के काम 16:31 जो मैं बोल रहा हूँ वो कह रहा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यस, हालेलुया, क्या आप खुश हो? मेरे पीछे बोलिए, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और मेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा और मेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आपके परिवार के बारे में आपका स्वप्न स्पष्ट है, आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी के साथ शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे और आपका परिवार आनंद से भरा हुआ परिवार होगा, और आपके परिवार में सब लोग नए जन्म पाए हुए होंगे। तब यहोशू यूं कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। कहिए मेरे पीछे हिंदी में बोलिए, मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। एक और बार, मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। पहला, आपके पास स्वप्न होना चाहिए, मुझे बच्चे होंगे, वो लोग नए जन्म पाएंगे और हम एक परिवार बनकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमेन, हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हो? कुलबर्गम मेरा जो शहर है, मेरी माँ है, या एक मेरी माँ के समान एक बहन है, और हर एक प्रार्थना सभा में वो आएगी, उसके बेटे के साथ वो खड़ी रहेगी, और हर एक चर्च में वो जाती, वहाँ उसके बेटे के साथ वो जाती और कहेगी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। सब लोग पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ता, सब बाइबल पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ता। हर एक चर्च में वो जाती है, हर एक सभा में वो होगी, और हर एक सुवार्तिक ने उसके लिए प्रार्थना की है। एक बार फिर से मेरे पास वो आई, मैंने कहा कि काफी सारे लोगों ने आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर दी है, कुछ नहीं हुआ आपके बेटे को, तो एक और बार मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूं, ऐसा क्यों चाहती हो? और वो कहती है, वो तमिल बहन है, इसलिए मेरे बेटे के लिए आप अच्छे से प्रार्थना करें। हाँ, लोगों ने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, आप उसको नीचे दबा रही हो और आप यूं कह रही है उसको कि वो अच्छा नहीं है,
और हर एक कलीसिया में वो शर्मिंदा हो रहा है। हाँ, उसको यहाँ वहाँ लेकर जाने की वजह, आप परमेश्वर के वचन को ले, आपके मुंह से उसको जाहिर करें। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। एक दिन आपके बेटा आप परमेश्वर की सेवा करेगी। हालेलुया, क्या आप खुश हो? हाँ या ना? मैं आपको कुछ ही परमेश्वर के जो वायदा है वो आपको बता रहा हूँ। परिवार के बारे में सैकड़ों वादा परमेश्वर के वचन में है, आप लीजिए और उसको घोषित कीजिए। हालेलुया, क्या आप खुश हो? आपके पास परिवार है और सब नए जन्म पाए हुए हैं और आपका स्वप्न है कि सब मिलकर आप परमेश्वर की सेवा करोगे। या लेकिन प्रश्न, सवाल ये है कि किस रीति से आप अपने परिवार को चलाएंगे? कहाँ आप कहाँ रहोगे? आप कहाँ रहोगे? आपको क्या जरूरत है रहने के लिए? जोर से, क्या आपके पास ऐसा स्वप्न है कि आपको आपका खुद का घर हो? ऐसा स्वप्न है? ऐसा स्वप्न होना सही है या गलत है? जल्दी से आपके बाइबल को खोलिए, ये बाइबल में है क्या? भजन संहिता 37:37। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। या भजन संहिता 37 उसका 29। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, और उसमें सदा बसे रहेंगे। यस, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। और ये वचन है, उनके लिए काफी सारे अनुवाद है, और साधारण जो अनुवाद है वो, आप एक जमीन को खरीदेंगे और सदाकाल वहाँ पर आप रहोगे, आपका खुद का घर आपके पास होगा। आमेन। और कितना घर होंगे आपके पास? कितने घर चाहिए आपको? एक बस? लेकिन आपका परमेश्वर एलसदाय है, वो तो पृथ्वी और स्वर्ग का मालिक है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय की ओर हम जल्दी से आएंगे और 29 और 30 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस। रोकिए, सुने मुझे, ये वचन बहुत घोर से आप सुने। मैं आपको प्रश्न, मार्क 10:30 पद, और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया, क्या आप सब लोग मेरे साथ? या ये वचन आप ये समय में आपको ये मिल रहा है या ऐसा अब ऐसा लिखा है आपके बाइबल में वो वचन में अब? हाँ या ना? हाँ, ये आदि जो लिस्ट है उसमें पहला कौन सा शब्द है? घरों। क्या है? घर क्या है? कपड़े क्या है? घरों। माइक में बोलो, घरों। घर है या घरों है? और आखिरी यादी में लास्ट में क्या है? अनंत जीवन के पहले क्या है? खेतों। हेलो। और मेरे बाइबल में मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, अगर आपने सुसमाचार के लिए बलिदान किया है तो आपको सैकड़ों घरों सैकड़ों खेतों होंगे और सताव के साथ वो आएगा। हेलो, क्या आप यहाँ हो? और सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कहीं और से आया। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूँ। क्या आपके पास ऐसी हिम्मत है कि कम से कम आप 100 घर होने का स्वप्न देख सके? नहीं, हिम्मत भी नहीं है, दम है। अभी यहाँ जो समस्या है वो एलसदाय में नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, लेकिन समस्या हमारे साथ है। परमेश्वर के जो वायदे हैं उसका स्वप्न देखने का हिम्मत भी हमारे पास नहीं है। अगर ये जो 100 है वो सब बोलने की बात है, केवल आपके पास सैकड़ों से भी ज्यादा हो सकते हैं। क्या आप स्वप्न देख सकते हो कम से कम? क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं, जब आप घर बोलते हो उसी समय ICICI HDFC बैंक आपके मन में आती है या, और आप सोचना शुरू कर दिया, यहाँ मुझे इतना हफ्ता भरना है, वहां इतना हफ्ता भरना है, 100 घर के लिए मुझे लोन कौन देगा? कोई आपको लोन नहीं देगा। और इसलिए जब आप सुसमाचार के लिए जो बलिदान करते हो, कुछ देते हो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसी समय आप किसी मनुष्य को नहीं देते, किसी चर्च को नहीं देते, किसी सेवकाई को नहीं देते, लेकिन आपकी अमानत आप स्वर्ग में डिपॉजिट करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देगा, और जो पैसा आप सुसमाचार के लिए देते हो वो वापस आपके पास आता है। वो किस रीति से वो आएगा? 100 घरों और 100
सौ एकड़। आमेन तो बोलिए कम से कम, कम से कम आमेन बोले। स्वप्न देखे, स्वप्न देखने के लिए पैसा चाहे खर्चा करना है आपको, स्वप्न देखे। अब जो जो समस्या है वो स्वप्न है। मैं आपको बताऊंगा, जब परमेश्वर ने मुझसे बात की, 30-40 साइज का एक प्लॉट मेरे पास था और मैंने बेच दिया और चर्च को दे दिया, और लोगों ने मुझे कहा आप पागल हो। मैं पागल नहीं, मेरा स्वप्न स्पष्ट है और मेरे पास 100 एकड़ जमीन और 100 घरों रहेंगे। मैं कटनी करने के लिए बो रहा हूँ। हालेलुया, आपके पास परिवार रहेगा, आपका स्वप्न स्पष्ट है और नए जन्म पाए हुए विश्वास के साथ शादी करोगे, आपके बच्चे होंगे और आपका सारा परिवार परमेश्वर की आराधना करेगा और सारे जो लोग हैं वो बपतिस्मा लिए होंगे और एक परिवार जैसा आप परमेश्वर की सेवा करोगे और परमेश्वर आपको समृद्धि या प्रॉपर्टी देगा, परमेश्वर आपको घर या घरों देंगे। मैं 100 घरों से ज्यादा लाजरस भिखारी की स्टोरी को मैं ज्यादा सुना हूँ। जहां कहीं मैं जाता हूँ वो लोग भिखारी की बात करते हैं और मैंने ऐसा संदेश सुना है, आप भिखारी बनो आप स्वर्ग जाओगे। तो मैं सोचता था ये जो सारे प्लेटफॉर्म पर भिखारी लोग बैठे रहते हैं रेलवे स्टेशन पर, वो सब स्वर्ग जाएंगे, एसी कोच में यात्रा करने वाले कहाँ जाएंगे? फिर भीख मांगना आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, यीशु मसीह का लहू आपको स्वर्ग ले जाएगा। अब आपके पास घर है, जब आप घर खरीदते हैं हम क्या करते हैं, आपके घर को आप भरते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, आपके पास क्या स्वप्न है कि आपके घर में क्या भरना है? आए हम नीति वचन 15:6 को पढ़ेंगे। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। सब लोग मेरे पीछे बोले, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। आनंद से हाथों को ऊपर उठाते हुए हंसते हुए जोर से बोले, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं आपको सैकड़ों घरों दूंगा और आपके घरों को बहुत धन से मैं भरूंगा। अगर कुछ सबसे अच्छा उत्पन्न होता है तो वो आपके लिए उत्पन्न होता है, आपका घर धन से भर जाएगा, आप संघर्ष नहीं करोगे। जब आप एल सदाई की ओर आपके हाथों को उठाओगे और जब आप कहोगे कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं और परमेश्वर सारी बातों से मुझे आप आशीषित करोगे आनंद उठाने के लिए, और आप हफ्ते भरने में ज्यादा व्यस्त नहीं हो जाओगे और सारी आशीषें आपके ऊपर आएगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को सारी बातों से आशीषित किया और जो कुछ उसको चाहिए था सब बातों से उसको आशीषित। मेरे पास आपको बताने के लिए एक अच्छी बात है, परमेश्वर ने सारी चीजों से आपको आशीषित कर दिया है और मेरे घर में उसको कैसे मैं लाऊंगा या मुझे मिलेगा। और आपके हाथों को उठाते हुए आपको कहना है कि पिता मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं और मैं ऐसे जीवंत परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं जिसने मुझे सारी बातों का आनंद उठाने के लिए बहुतायत से आशीषित किया है। दोनों हाथों को उठाएं आप और कहें, मैं जीवंत परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं जिसने मुझे आनंद उठाने के लिए सारी आशीषों से बहुतायत से भरा है। हालेलुया। क्या आपका स्वप्न स्पष्ट हुआ? भी मैं तो कुछ ही वायदे आपको बताया हूँ, बहुत सारे वायदे परमेश्वर के वचन में है और आप इस वचन को लें और स्वप्न देखें। एक और वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 24वां अध्याय और 34 पद। सब लोग अपनी बाइबल को खोलें, उत्पत्ति 24 और उसका 35। पढ़े, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है इसलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी गाय बैल सोना रूपा दास दासियां ऊंट और गधे दिए हैं। हालेलुया। क्या आपने पढ़ा? क्या आप एक वचन में कुछ भी बात वहाँ देखते हैं? एक ही हो वो, ऐसा कुछ चीज आपको दिखाई देती है वहाँ? एक ही चीज हो ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलता है? और जब परमेश्वर हमको देता है वो एक नहीं होता, वो एक से ज्यादा ही होता है, दास दासियां। क्या आप ऐसा स्वप्न देखना सोच सकते हैं कि आपके पास दासों और दासियां रहेंगे?
हेलो, क्यों मुझे दास दासियां चाहे, नौकर नौकरानियां चाहे, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ काम। वो लोग आएंगे मेरे समय बिगाड़ेंगे। नहीं नहीं, ये दास दासियां जो है वो आपकी आशीष है। हालेलुया। क्या आप खुश हो? क्या आप ऐसा स्वप्न देख सकते हैं आपके पास सोना रूपा होगा? मैं गोल्डन विश्वासी हूँ, मैं सोने के ऊपर विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर ने क्योंकि सोने को भी उत्पन्न किया और परमेश्वर ने कहा कि वो अच्छा है, भला है। और हमारे तमिल में ये कहते हैं कि एदन वाटिका में सोना बढ़ रहा था। वो हमारा पिता है, वो परमेश्वर कहता है सोना रूपा मेरा है। और बाइबल कहती है कि मेरा यीशु मसीह गोल्डन सोना का जैकेट पहना हुआ, जुब्बा पहना है। आमेन। हेलो, क्या आपके पास ऐसा स्वप्न है कि आपके बच्चे सोने के गहने पहने? हेलो, स्वप्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण। हाँ हाँ, सैकड़ों घरों वो भी धन से भरे हुए, दासों दासियां, ऊंट गधे। क्या आपको पसंद है ऊंट और गधे होना आपके घर में? उन दिनों में गधे और ऊंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के, यात्रा के लिए इस्तेमाल होते थे। आज आपको आज ऊंट और गधे की जरूरत नहीं है यात्रा के लिए। आपकी यात्रा के लिए आपको क्या जरूरत है? कार, बाइक। अब सुनिए, सुनो, आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने की चिंता मत करें। और आप शादी करो उसके पहले आपके एल सदाय सोच रहे हैं कि आपको कौन सा व्हीकल चाहिए। हालेलुया। और आपके बच्चे हो उसके पहले आपके एल सदाय सोच रहे हैं कि आपको कौन सी कार चाहिए। हालेलुया। क्या आप यही हो? आपको जो व्हीकल, जो गाड़ी चाहिए वो आपको मिलेगी। आमेन। क्या आप कुछ सीख रहे हो? क्या आपका स्वप्न स्पष्ट हुआ? हमेशा मैं बड़ा स्वप्न देखता हूँ। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मैं 18 साल का था तब मैंने ये वचन को पढ़ा। तब मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और लोग मुझे देखकर हंसते, ये व्यक्ति के पास साइकिल भी नहीं है फिर भी कार की बात कर रहा है। मेरे ऊपर लोग हंसे या ना हंसे मुझे कुछ भी चिंता नहीं, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। जब परमेश्वर कहता है उसने दिया है, उसने दिया है। और मेरी एक ऐसी अलग सी आदत है, मैं दूसरे की बाइक या कुछ चीज इस्तेमाल नहीं करता। और मैंने भाई की जो बाइक या स्कूटर है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं दूसरे के चीज को पकड़ना पसंद नहीं करता। या जब मुझे नौकरी मिली, मैं हॉस्टल में रहा और मुझे टू व्हीलर की जरूरत नहीं थी। जब मेरी शादी हुई और लोग कह रहे थे कि कैसे आपको मिलेगा, काफी सारे ऑप्शन उन लोगों ने मुझे दिया, आपको ये इस प्रकार की EMI हफ्ते में मिल जाएगी, पुरानी बाइक मिल जाएगी, स्कूटर मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन। मैंने ये कहा कि मैं मेरे हाथों को किसी मनुष्य की ओर कभी नहीं बढ़ाऊंगा, मेरे पास मेरे पिता है, वो एल सदाय है, मेरे हाथों को मैं उसकी ओर उठाऊंगा। मैं हूं आपको कह रहा हूं। और चमत्कारिक तौर से मुझे पैसा मिला और मैंने बाइक खरीदा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे दो बच्चों से आशीषित किया। या और बजाज स्कूटर था और मैं इतवार के सुबह में मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चों को स्कूटर पे मुझे लेकर जाना पड़ता था और उसमें गिटार भी रखना पड़ता और चर्च में भवन में बैठने के लिए जो मैट थी वो भी उस पे रखना था दोरी। ओ परमेश्वर, मेरी पत्नी, मेरे दो बच्चे, गिटार, धरी चर्च में बिछाने के लिए, सब कुछ कैसे। और जब मेरी बेटी मेरे आगे स्कूटर पर खड़ी होती तो मैं मैनेज नहीं कर पाता आगे। और जब वो बड़ी हो गई तो फिर मुझे आगे नहीं देख सकता, मुझे कार की जरूरत पड़ने लगी। शाम जब उधर आए या उसकी की गवाही मुझे याद आ रही है। और उसने कहा कि मुझे मेटाडोर वान चाहिए। मैं प्रार्थना किया और मेरे स्टाफ को मैंने प्रार्थना करने के लिए कहा। हम सब लोगों ने प्रार्थना की और सेकंड हैंड वो वान खरीदने के लिए हमें 40,000 चाहिए और हम सब मिलके पूरी रात प्रार्थना करें, लेकिन वो वान हम खरीद नहीं पाए। मैं रोया, परमेश्वर ने मुझे कहा। वो परमेश्वर के दास की गवाही में बता रहा हूँ। और परमेश्वर के दास को कहा, मैं आपको वान दे सकता हूँ लेकिन आपने कुछ भी बोया नहीं है। और दूसरे दिन सुबह ये प्रभु के दास अपने राजदूत बाइक था वो लेकर जाकर दूसरे एक प्रभु के दास को दे दिया। और उसने कहा कि जब मैं राजदूत दूसरे प्रभु के दास को देकर आया वापस मेरे घर पर, अगले ही वीक में और हफ्ते में मैंने नई वान खरीदा। और जब वो गवाही मैंने पढ़ा मुझे बहुत पसंद आया, तुरंत मैंने मेरा स्कूटर लिया और एक पास्टर को दिया। और वो जो प्रभु के दास थे वो गांव में सेवकाई के लिए जाते थे
भाई ये स्कूटर मुझे आप मुझे दे रहे हो, आपके बारे में क्या? और मैंने कहा मेरी कार आ रही है। उसने कहा कि वो कार आप लो पहले, फिर बाद में मुझे स्कूटर दे। और मैंने कहा कि पहले मेरे स्कूटर को आप ले लीजिए, उसके बाद ही मेरी कार आए। और मेरा स्कूटर देकर मैं वहां से चलता आया। दो महीने हम चलकर ही फिरे। और मेरे घर के बिल्कुल बगल में आईसीआईसीआई बैंक है, और अच्छी एक जाहिरात वहां पर रखी थी, यस जीरो डाउन पेमेंट में अच्छी से अच्छी कार आपके लिए उपलब्ध है। और मेरे छोटे बेटे ने कहा डैडी देखो यहां पर कार उपलब्ध है, क्या हम जाकर जांच करें? और मेरे बेटे को मैंने कहा कि नहीं नहीं ये जगह नहीं है जहां आपको देखना है, आपको आकर उत्पत्ति की किताब 24:35 देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है हमारी कार आएगी। तब एक परमेश्वर के दास ने मुझे फोन किया और परमेश्वर कहा, उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोझ दिया है कि मेरी कार मैं आपको दूंगा, आप आओ और ये कार लेकर जाओ। वो परमेश्वर के दास बेल्लारी में थे, और बेल्लारी तक जाने के लिए मेरे पास बस का किराया भी नहीं था। और उसने कहा कि आओ और लेकर जाओ। मैंने कहा मैं आऊंगा। यदि आपका स्वप्न स्पष्ट तो आपकी भाषा भी स्पष्ट होगी। यदि आपका स्वप्न स्पष्ट है आपकी भाषा स्पष्ट होगी। और कोई बेल्लारी गए, उसके साथ मैं भी गया, मेरे पास पैसा नहीं था, और मैं वहां गया। परमेश्वर के दास ने मुझे वो कार दिया और उसने पेट्रोल की टंकी भरी और मुझे उसने दान भी दिया, ऑफरिंग भी दिया, और खुशी खुशी में मैं मेरे घर पे आया। हालेलुया, कोई समस्या नहीं। जब वो कार पुरानी हो गई, मैं हमेशा ये बोलता रहता था कि मेरी नई कार आ रही है, परमेश्वर ने मुझे नई कार दी है। हालेलुया, जब मेरी बर्थडे था और तब मेरी कलीसिया के सारे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे कार दिया। मैं उस शहर में नहीं था, उसी दिन मैं आया था, और सब मिलकर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने कहा था कि हम पास्टर को नहीं बताएंगे, हम लोग पैसा इकट्ठा कर कार प्रभु के दास को भेंट में देंगे। एक कॉन्फ्रेंस में पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में मैं सिखा रहा था, और ज्ञान का जो वचन है, दान है, उसके बारे में मैं सिखा रहा था। और उसी समय परमेश्वर मुझे सफेद कार दिखा रहा था बेंगलोर में, वो आपके लिए खरीदा गया है, आपके लिए आ रहा है। और मैंने कॉन्फ्रेंस में ऐसा घोषित कर दिया कि मेरे लोग सोच रहे हैं और मेरी कार अभी मेरे पास आ रही है। वे लोगों ने तो कहा था सबको कि किसी को मत बताओ, उस दिन मैंने उसको कहा हाँ, किसी को बताने के लिए मना किया, लेकिन आपने परमेश्वर को नहीं कहा और परमेश्वर ने मुझे बता दिया। मैंने कहा वो कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ खरीदा है और कौन कौन खरीदने के लिए, सब कुछ मैंने बता दिया। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? यदि आपका स्वप्न स्पष्ट है, आशीष आपके जीवन में आसानी से बहेगी। हालेलुया। यदि आपका स्वप्न स्पष्ट नहीं है, और जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाता है, उसी समय आप नकारात्मक तौर से सोचोगी कि नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा है। यदि आपका स्वप्न स्पष्ट नहीं है तो फिर आप फिलिप की नाई बात करोगे। यदि आपका स्वप्न स्पष्ट है तो आप यीशु की समान बोलोगे। क्या आप कुछ सीख रहे हो? मैंने एक भी मुद्दा अभी खत्म नहीं किया, कल मैं उसमें आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। क्या आप कुछ सीख रहे हो? मेरे पीछे आप बोलिए, मैं विश्वास से चलता हूँ, दृष्टि से नहीं। मैं विश्वास से जीता हूँ, विश्वास काम करता है। हालेलुया। क्या आप खुश हो? क्या आपके परिवार के बारे में आपके पास स्वप्न है? और आपकी पत्नी आपके घर में फलवंत द्राक्ष लता की समान होगी, आपके बच्चे आपके घर में जैतून वृक्ष के पौधे के समान हो, और आप एक परिवार होकर परमेश्वर की सेवा करोगे। और धन और संपत्ति के बारे में कुछ भी शंका या अविश्वास नहीं। क्या आपको आपका खुद का घर मिल सकता है? घर या घरों? और आपके घर घरों कैसे भरेंगे? यस, धन से। आए हम सब लोग खड़े हो जाएं, आए हम सब खड़े हो जाएं। जो मैंने अभी सिखाया वो हमारी प्राथमिक जरूरियातें हैं, लेकिन ये आपके जीवन पर्यंत की बात है। हालेलुया, आपके लाइफ टाइम की बात है ये। कल मैं तंदुरुस्ती और सेवकाई के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं ये सिखाऊंगा किस रीति से आपका स्वप्न हकीकत बनेगा, और आप जो स्वप्न देखते हो वो किस रीति से आप हकीकत में बदल सकते हो। हमारा पहला स्तर है परमेश्वर के वचन में से स्वप्न देखें। इसलिए आज रात जब आप सोए, अच्छे से सोए, आपके पापों को आप कबूल करें, परमेश्वर की आराधना करें, ये परमेश्वर के वचन को आप मनन करें, गीत को गाएं, और उसके बाद आप सोए।
परमेश्वर आपके कानों को खुलेगा और उसका स्वप्न आपके अंदर वो रखेगा और परमेश्वर आपको ऊपर उठाने के लिए स्वप्न देना चाहता है। यीशु के समान आप भी आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करोगे। आए हमारे हाथों को ऊपर उठाएं, हमारे हाथों को ऊपर उठाएं और उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद। और जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है उसके लिए परमेश्वर को धन्य कहें, आपके बच्चों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है विश्वास से आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। यदि आपके बच्चे नहीं है विश्वास के साथ आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप एक परिवार होकर, परिवार मिलकर आप परमेश्वर की सेवा करो। जोर से, जोर से, जोर से उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और सारे धन और संपत्ति जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है उसके लिए आप धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो कुछ मैंने कहा है यदि अगर आप सोचते होंगे कि ये आपके लिए बहुत बड़ा है, एल सदाई के लिए बड़े बात नहीं है। एल सदाई का प्रकाशन आपके जीवन में असीमित आशीषों को वो लाएगा। उसकी आराधना करें, उसकी आराधना करें, आराधना करें, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। यीशु, 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 पिता यीशु के नाम से आपके आगे हम आते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम सोने जाएं, परमेश्वर होने दे सोने का समय, हमारे लिए पवित्र समय होने दे, स्वर्गदूत हमें घेरने पाए, परमेश्वर हमारे कानों को खोलकर आपके स्वप्न आप हमारे अंदर रखें। परमेश्वर जो स्वप्न आप उन्हें दें वो बड़ा स्वप्न हो, और मैं बोलता हूँ कि वो स्वप्न स्पष्ट हो, वो आपका स्वप्न होने दे, और परिवार के लिए स्वप्न स्पष्ट होने पाए, और संपत्ति के लिए स्वप्न स्पष्ट होने पाए, उनके भविष्य के लिए स्वप्न स्पष्ट होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप स्वप्न को देने वाले हो और हमारे जीवन में उसको आप हकीकत में बदलने वाले हो। धन्यवाद यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते, प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन।